नमस्कार, भारत एक्स फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में कैसे इन दिनों हाय हाय मची हुई है। हाय हाय इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने एक खबर छापी है जिसमें उसने बताया है कि भारत के एजेंटों ने ही, बल्कि भारत ने ही जो है पाकिस्तान के 20 आतंकवादियों को मार गिराया है, मार दिया है। तो हालांकि कुल मिलाकर अब तक 26 आतंकवादी मारे गए हैं। इस खबर के बाद जो है पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट और खासकर विदेश मामलों के वो और भी बहुत बड़े जानकार हैं, श्री प्रभात रॉय। तो बात सीधे बात करते हैं प्रभात रॉय से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? भारत चुन चुन के मरवा रहा है वहां आतंकवादियों को या मार रहा है? श्रमक जी, भारत अपना बचाव करता है सदा। भारत आक्रामक नहीं है। भारत ने किसी भी इलाके पर कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। कोई हमारा इतिहास नहीं आक्रमणकारी, लेकिन अपना हम बचाव करते हैं। पाकिस्तान ने 79 से, याद कीजिए मैं ईयर बता रहा हूं, 1979, जब खालिस्तानियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया था और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया था पंजाब में, वो लड़ाई 13 साल चली और दे वर ऑल ट्रेन्ड बाय पाकिस्तान ISI। तो 13 साल हमने वो भुगता। अभी वो खत्म भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, वो उसका अंत हुआ 1993 में, कि 89 में कश्मीर को लेकर एक आतंकवाद शुरू हुआ, प्रॉक्सी वार, जिसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग हो रहा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान ISI ने फिर वो कैंप लगाए जिहादियों के, और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, कितने ही नाम हैं, इन सबको ट्रेंड करना शुरू किया। और 89 में सबसे पहली बार पाकिस्तान ने एक कश्मीर पर एक धावा बोल दिया इनडायरेक्ट। तो हम तो अपना बचाव करते रहे सदा। अगर हमने पाकिस्तान के बालाकोट में हमला किया तो उससे पहले हम पर हमला हुआ था ना, याद है ना आपको? जी, हमने कभी आक्रमण नहीं किया। पाकिस्तान ने हर बार हम पर आक्रमण किया, राइट फ्रॉम 1947। अभी आजादी नहीं मिली थी कि उन्होंने कश्मीर पर धावा बोल दिया था, मेजर अकबर अली खान के नेतृत्व में, मेजर जनरल। बुरी तरह शिकस्त हुई, भागे उल्टा। उस समय सीज फायर कर दिया गया, हम पूरा कश्मीर ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, वो एक अलग कहानी है। इसके बाद 1965 याद कीजिए, अयूब खान ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत हम पर आक्रमण किया गया, वो उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई इनकी। इसके बाद 1971 का तो हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, इसमें हम लोग निर्णायक निर्णायक हमारी जीत हुई, पाकिस्तान तोड़ दिया हिंदुस्तान ने। पर पहले हमला उन्होंने किया, हमने नहीं किया। हमने कभी हमला नहीं किया, पाकिस्तान पर भी हमला नहीं किया, हमने चीन पर भी नहीं किया कभी। हमारी नियत सदा बचाव की रही है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार तो दुनिया में हर किसी को दिया है ना। हम लोग कितने दिनों से आतंकवाद के शिकार है, शायद सबसे लंबे दौर का आतंकवाद हमने भुगता है। राइट फ्रॉम 1979 व्हेन भिंडरवाला इमर्ज एज ए ग्रेट टेररिस्ट, बिग टेररिस्ट, और उसके तमाम लोगों को कौन प्रशिक्षण देता था? खालिस्तान बनाना चाहते थे ना वो, हिंदुस्तान को तोड़कर, हुअर बैकिंग देम पाकिस्तान, ISI मिलिट्री, देन कश्मीर। तो इसलिए हमको आक्रमणकारी कहना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये बेहुदा बात है। हम लोग जब भी हम पर हमला होगा पाकिस्तान से, हम अंदर जाकर भी हमला करेंगे। शुरू से हमारी नीति रही, आज की नीति नहीं है हमारी ये। तो अब तो देखिए, अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप पर हमने कई बार हमला किया है, इतनी बार हमला किया है कि आपको हम क्या बताएं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार है, चाहे मोदी की सरकार है, अब जरा ज्यादा प्रचार होता है, खाली मोदी जी ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, पहले कम प्रचार होता था। वरना हमने कई बार शिविरों पर हमला किया जहां पर आतंकवादी प्रशिक्षण देते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, गार्जियन ने कोई नई कहानी नहीं लिख दी, इसको तो हम स्वीकार करते हैं, वी ऑलवेज एक्सेप्ट दिस स्टोरी। अभी हमारे राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमने मारे हैं, ऐसे मारेंगे, वो हम पर हमला करने आते हैं, अंदर कैंप पर हम लोग हमला करते हैं जाकर, जहां उनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं मारते हम किसी को, हाँ, उन्होंने बेगुनाह कहा है कि नागरिकों को अगर मारते, यहाँ और ये लोग हमला बेगुनाहों को करके पाकिस्तान मारते हैं।
पाकिस्तान में कोई जा छिपेगा आतंकवादी तो वहां घुसकर मारेंगे, वहां मारेंगे उसे। बिल्कुल मारा है हमने, हर बार मारा है, अब क्या नहीं मारा, ये हमने सदा से मारा है और हरदम मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे, उनको मारना है उनको, क्योंकि हमें अपना बचाव करना है। हमारे यहाँ के आम नागरिकों को मारते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, आत्मघाती दस्ते भेजते हैं हमारे यहाँ, हमारे कैंटोनमेंट पर हमला करते हैं, जम्मू में, कश्मीर में, भारत के तमाम हिस्सों में उन्होंने हमले किए हैं, बंगलोर में, दिल्ली में, कहाँ नहीं किए। ये तो इसलिए आप बंद किए क्योंकि हमने घुसकर मारने की रणनीति बनाई। तो ये पाकिस्तान पहले कह रहा था, वो तो खुलकर कह भी नहीं पा रहा है, उसके लिए तो है कि भाई ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। पाकिस्तान इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो तो अपने, वो तो कहता ही नहीं कि मैं टेररिस्ट भेज रहा हूं, दे नेवर ओन्ड इट। सारी दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है आतंकवाद की धरती पर। ओसामा बिन लादेन को किसने मारा था, अमेरिकन फौज ने अगर मारा था ना, न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था, तो कहां से हम सारा डिजाइन बना था, कहां छुपा हुआ था वो ओसामा बिन लादेन, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिहादी, तब अमेरिका ने हमला किया था, नहीं किया था? काबुल पर कब हमला किया अमेरिका ने, जब तालिबान ने पूरा का पूरा समझिए तांडव तालिबान कर रहे थे यूरोप में, अल जवारी का नाम तो हमने खूब सुना है ना, ओसामा बिन लादेन के बाद उसको वहां जाके मारा, नहीं मारा अमेरिका ने? तो ये तो आतंकवाद की लड़ाई एक वैश्विक वैश्विक लड़ाई है, और ये लड़ाई की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कहता है मैंने कोई आतंकवाद को पनपाया ही नहीं, तो वो क्यों करेंगे? जो गुनाहगार है वो कभी अपना गुनाह कबूल करता है क्या? कभी दुनिया में सुना है आपने कि पाकिस्तान ने कोई ओन किया कि मैंने कोई इतने कैंप लगा रखे हैं, हमने ओसामा बिन लादेन का कैंप लगाया, उस पर अमेरिका पर हमला करवाया, अंत क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन को घुस कर मारा मिलिट्री कैंप में अमेरिकन गुरिल्लों ने, जो अमेरिकन कमांडोज थे सारी दुनिया जानती है, इंग्लैंड पे इन्होंने हमला किया, फ्रांस पे इन्होंने हमला किया, कहाँ छोड़ा इन्होंने, कौन सी दुनिया का कौन सा हिस्सा छोड़ा जहाँ इन्होंने हमला नहीं किया? और देवर ऑल ट्रेंड इन पाकिस्तान, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए ये लोग जो है ना सबसे बड़े आतंकवादी हैं पाकिस्तान, सब मानते हैं इस बात को, अमरीका भी मानता। ट्रम्प क्या कहता था, ट्रम्प ने ये कहा कि जितना पैसा हमने दिया इनको, ट्रम्प एक अकेला राष्ट्रपति जिसने बात खुलकर कही है कि हमने जितना पैसा दिया इन्होंने सब सब तालिबान को दे दिया, हम तालिबान से लड़ने के लिए इनको पैसा देते थे, इनकी फौज को, और इन्होंने वो तमाम दौलत जो दे दी किसको, तालिबान को, तालिबान तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को, कहा था नहीं कहा था? वही जो तालिबान उसके दुश्मन बन गए, पालो और तैयार करो आतंकवादी, अपने अपने जान के दुश्मन बन गए उसके। लाल मस्जिद पर किसने हमला किया था जब मुशर्रफ था, तहरीके तालिबान में बैतुल्ला मसूद को याद कीजिए, जिसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाया, जिसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसने बनाया, उसको भी तो इन्होंने पाला था। लाल 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 मस्जिद में कौन ट्रेनिंग देता था, पाकिस्तानी फौज आतंकवादियों को, और वो बैतुल्ला मसूद के चेले आज सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पख्तूनिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में। तो जो जो शैतान को पैदा करेगा शैतान को भुगतेगा, कांग्रेस ने भिंडरवाला को पैदा किया था, भुगता नहीं भुगता है? दुनिया अब ये कह रही है कि पाकिस्तान के शैतानों को, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं शैतान कहकर, उन शैतानों को भारत मरवा रहा है, भारत मार रहा है। आज मार रहे हैं क्या हम? वी आर किलिंग देम सिंस दे हैव बीन अटैक टू अस इन इन द नेम ऑफ प्रॉक्सी वॉर, इनडायरेक्ट वॉर, जिसमें जिहादियों को उन्होंने भेजा। अभी करगिल पर जो हमला हुआ था याद है ना आपको, करगिल का आक्रमण, उसको भी कहा गया था तो जिहादियों ने किया, जो बैक बाई मिलिट्री, वो तो जब उनके कार्ड्स मिले, जब उनकी ड्रेस मिली, तब पता लगा तो पाकिस्तानी फौज थी कारगिल पर कब्जे करने वाली, 400 सैनिक हमारे मारे गए थे, नहीं मारे गए थे, याद कीजिए 1999, अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं, जी, तब क्या किया था हमने, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था उन्होंने कारगिल में, हम जीते, हमने पराजित किया, भागे वो उल्टे, मुशर्रफ की सारा डिजाइन फेल हो गया करगिल पे कब्जा करने का। तो ये देखिए हम अपने बचाव के लिए किसी को मारते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करते, वो आज प्रॉक्सी वार बंद कर दे, कोई हमला नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर घुसकर,
अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ये बात जो है, जो ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने छापी है, ये भारत के खिलाफ जाएगी या भारत के पक्ष में ये जाएगी? भारत के पक्ष में जाएगी। सारी दुनिया पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ खड़ी है, भारत के खिलाफ क्यों जाएगी? सारी दुनिया चाहती है, अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका ने घुस के नहीं मारा पाकिस्तान के अंदर। देखिए, अब उनके उनके घर में घुसकर भारत मार रहा है जैसा कि कहा जा रहा है। ये कोई नहीं आ जानता कि क्या जा रहा है? भारत, हम तो ऑन कर ये रहे हैं, भारत, हमारा हमारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। ये अरे कहा अरे जी? श्रवण जी, कहा क्या जा रहा है? हमारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, कहा नहीं जा रहा, हम कह रहे हैं, वी आर सेइंग इट। कोई नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं खुद। हम लोग अगर कोई हम पे हमला करने आएगा तो जिन कैंप में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, हम घुसकर मारेंगे वहां। मारा भी है हमने सदा, एक ऑपरेशन नहीं किया हमने, क्या ने कितने ऑपरेशन किए पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वार इज गोइंग ऑन सिंस 1989 टिल डेट, कितना समय हो गया, ये निरंतर युद्ध जारी है। ये युद्ध है कश्मीर में, इसमें संख्या नहीं गिनी जाती कभी भी। युद्ध में संख्या नहीं गिनते, हमारे कितने मरे और उनके कितने मरे। इट्स अ वॉर कई लॉन्च बाय पाकिस्तान अगेंस्ट अस इन द नेम ऑफ जिहाद। बड़े आतंकवादी अभी भी बचे हुए हैं, तो क्या ये अभी उम्मीद तो की जाए कि खालिस्तानी, इन सुनिए, अभी ये नहीं पाकिस्तानी नहीं, खालिस्तानी आतंकवादी बचे हुए जो पाकिस्तान में शेल्टर लिए हुए कितने, जफर ये जो है ना, एक पूरा गुट बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। कनाडा में बचे हुए, अभी वहां शेल्टर लिए हुए हैं। तो जो पाकिस्तान में कर सकता है वो कनाडा में भी कर सकता है? अगर आतंकवादी कि दुनिया के किसी भी कोने में है तो हम जाके उसको खत्म कर सकते हैं। वो अगर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है तो हम लोग अपने बचाव में, अपने डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी करना हमें चाहिए। सारी दुनिया करती है, हम क्या, सारी दुनिया करती है। चीनी नहीं कर रहे क्या? कौन नहीं कर रहा? अमेरिका नहीं कर रहा क्या? रशिया नहीं कर रहा क्या अपने डिफेंस में? तो सेल्फ डिफेंस इज ऑलवेज ऑलवेज जस्टिफाइड। अपने बचाव का अधिकार हमको अंतरराष्ट्रीय कानून में मिला है, इंटरनेशनल लॉ परमिट्स अस कि हम अपना बचाव करें। अच्छा सर, ये कैसे तो होता हम है? ये आप तो इनके काफी करीब रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के, तो ये थोड़ा सा आप अगर कुछ बता सकें कि कैसे ये होता है, दूसरे के घरों में घुसकर कैसे मारा जाता है? अरे मिलिट्री जाती है, हमारे फौज के ट्रेंड लोग जाते हैं, हमला करते हैं। ऐसे थोड़ा ना, अपनी जान पर खेल कर जाते हैं, अपनी अपनी जान पर खेल कर मारते हैं, खुद भी मरते हैं, कई बार मारे जाते हैं। आप सोचते हैं जो हम कैंप में हमला करते हैं हमारे लोग ही मारे जाते क्या? हमारे भी तो लोग मारे जाते हैं जो जो उनके कैंप्स पर हमला करते हैं, टेररिस्ट कैंप्स पर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कैंप्स हैं, बालाकोट में कैंप थे, पाकिस्तान नहीं, फौज के लोग में। होते हैं या खुफिया एजेंसियों के एजेंट होते हैं नहीं, जो वो तरह जो तरह से, वो तो रणनीति सरकार बनाती है कि कई बार पूरी टीम भेजी जाती है, कई बार इंडिविजुअल भेजे जाते हैं। नहीं, अभी वो पाकिस्तान तो में जो हुकूमत का चुन काम चुन है। के मार रहे हैं, मारा जा रहा है आतंकवादियों को, 26 को निपटा दिया गया, तो मारने वाले तो वहीं के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, ऐसा नहीं है, अपने अपने भी लोग होते हैं, अपने भी एजेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहां के भी होते हैं, यहाँ के भी होते हैं। अब जो कैंप में हमला होगा वहां का आदमी थोड़ा करेगा, वो तो मिलिट्री बैटल है, वहां का कैसे मार कैंप देगा? कैंप नहीं, सिंगल एक एक अभी जो जो ब्रिटेन में जो खबर छपी है द गार्जियन में, और अभी जो चर्चा हो रही है पिछले कई महीनों से, वो तो इंडिविजुअल टेररिस्ट की है सर, आतंकवादी की है। नहीं, इंडिविजुअल वो टेररिस्ट कैंप, भी हैं वो और कहीं वो नमाज पढ़ रहा है, कहीं गया, वहां उसे निपटा दिया गया, किसी ने गोली मार दी। देखो वहां के लोग भी हैं जो हमारे समर्थक हैं, और हमारे अपने लोग भी जाते हैं, जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, देयर इज नो अदर। वो नहीं आ रहे हमारी तरफ मारने के लिए हमें क्या? रोज आ रहे हैं, रोज हजारों लोगों का इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, हजारों का, 85,000 का इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है इस कश्मीर की बैटल में। 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं, कितने मारे गए उनके, जो वो तो सब इन्फिल्ट्रेटर्स ही हैं। कश्मीरी, कश्मीर के अपने लोकल कितने टेररिस्ट हैं? जो अभी बड़े बचे हुए हैं आतंकवादी, जो कुछ का खूंखार आतंकवादी बचे हुए हैं, वो निपटाए जाएंगे जल्द जो है? अरे ये युद्ध है ना, क्यों नहीं निपटाए जाएंगे? सब निपटेंगे, सब निपटेंगे। देर है, सवेर है, अंधेर नहीं है। जो हम पर हमला कर रहा है बिना बात, हम पर सब युद्ध थोप रहा है, हमारे लोगों, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, जो बम विस्फोट कर रहा है, दिल्ली में किया, बंगलौर में किया, कहाँ नहीं हुआ? अब तो काफी दिन से ठंडे हैं ना, कहाँ नहीं हमला हुआ? कौन से हिस्से में हमला नहीं किया इन्होंने हम पर? बॉम्बे में कितना बड़ा हमला किया, 26/11 भूल गए क्या? कितना बड़ा हमला था, कितने बेगुनाह लोगों को मारा, ताज होटल,
अंदर घुसकर मारा ना, कराची से आए थे ना, तो रोज वो हमें मार रहे हैं तो हम भी उन्हें मार रहे हैं, बात खत्म है। इसमें कौन बड़ी बात है, वो हमें मारेंगे हम उन्हें मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? जब तक मारेंगे जब तक कि सबको नहीं मार देंगे, जब तक वो हार नहीं मान लेगा इस बात से, जब तो आपको लगता तक है उसको हार सबक नहीं मिल जाएगा, हार 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 जब तक उसको मानेगा? ये नहीं मिलेगा कि भाई यहां पर भेजेंगे तो ये जो है हमारे लोग मारे जाएंगे, वो तो इस्लाम की फैनेटिज्म की जिहाद की घुट्टी पिलाकर भेजता है ना, वो वैसे नहीं भेजता, वो नए नए नौजवान बच्चों को भेजता है, मदरसों के बच्चों को भेजता है, गरीब बच्चों को भेजता है। फौज भेजे ना तो हम देखें उसे, फौज भेजने की हिम्मत नहीं, 4 युद्ध हम हरा चुके हैं उसको, 4 बैटल्स राइट फ्रॉम 1947 टू 1971, टोटल एवरी एवरी वॉर वी हैव टिल इवन कारगिल 1919, 4 युद्ध हम बड़े हरा चुके हैं, बुरी तरह से परास्त कर चुके हैं, उसकी हिम्मत नहीं है फौज भेजने की हमारी तरफ। इसी तरह के वो कारनामे प्रॉक्सी वार कर रहा है इन जिहादियों के माध्यम से, टेररिस्टों के माध्यम से, आज से नहीं, ये उसी लियाकत अली की हत्या के बाद से ये कहानी शुरू हो गई थी। सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, जियाउल हक, याहिया खान, उससे पहले, इसके बाद मुशर्रफ, अखबार द गार्जियन ने जो छापा है उससे तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है, भले ही कोई आधिकारिक चौड़ा तौर वाड़ा नहीं पर हो रहा, हम चलते आधिक रहेंगे, कोई चौड़ा वाड़ा नहीं हो रहा, सदा से होता रहा है ये, जबरदस्ती चौड़ा करते रहो, इससे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, नहीं सर, ये हमने चौड़ा उतना पहले, नहीं चूंकि होता, हमने चौड़ा उस दिन पहले होगा जिस दिन ऐसा हम तोड़ देखा देंगे नहीं। उसकी हिम्मत, वो पहले अरे हो सकता महाराज है, जिस बात दिन पहले उसकी नहीं हिम्मत बाहर तोड़ आती देंगे होगी, ना, अब आई है ये जैसा सब आप कह बेकार रहे की हैं। बातें हैं श्रवण जी, बेकार की बातें, जिस दिन फाइनली हम डिफीट करेंगे पाकिस्तान को, हिम्मत टूट जाएगी टेररिस्ट भेजने की, तब होगा हमारा सीना चौड़ा, उस दिन हमारे, जिस दिन हमारे बच्चे मारे जाने बंद हो जाएंगे कश्मीर में, उस दिन होगा हमारा सीना चौड़ा। अभी काहे का सीना चौड़ा, रोज मर रहे हैं हमारे लोग कश्मीर में, जानते हैं, रोज खबरें आती हैं, क्या बात आप कर रहे हैं, सीना उस दिन चौड़ा होगा जिस दिन पाकिस्तान की हिम्मत टूट जाएगी एक भी आदमी भेजने की हमारे देश में, उस दिन हमारा सीना चौड़ा होगा। ये तो वो भी मार रहे हैं हम भी मार रहे हैं, ये वॉर इज गोइंग ऑन, चौड़ा आपको होगा, लगता है कि ऐसा हो पाएगा कभी? थैंक क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप आपने इतनी सारी शुक्रिया बताए शुक्रिया बातें बताई, और चूंकि आपकी शुक्रिया बात में शुक्रिया, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने इन सब चीजों को देखा है, आपने खुफिया एजेंसियों को भी काम करते देखा है, और तमाम कैसी ये चीजें होती हैं इसे भी देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदाबाद रहिए, शुक्रिया। जी। तो ये थे रक्षा और विदेश मामलों के जानकार श्री प्रभात रॉय। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।